हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल गर्ल गायत्री ब्लॉग में। तो अभी जो मैं मतलब ये ब्लॉग जाएगा उस कोई मतलब सुबह 1 जनवरी हो जाएगी 2021। तो आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और नए साल में जिसने जो भी मतलब विशेष है, जिसकी मनोकामना है, वो सारी वो मतलब ईश्वर पूरी करे, इसी आशा के साथ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चने का साग या चने की भाजी, आप जो भी बोलो। और ये ताज़ा चने का साग है जो मेरे मतलब पापा जी हैं वो लेके आए थे खेत से, मतलब गांव गए थे। तो बस मैंने ये मतलब साफ ताज़ा ही है, साफ देख लिया तो उसमें कुछ नहीं था, तो मैं काटने आ गई हूँ। और आपको पता है मतलब इसको काटना इतनी आसानी से नहीं है, मतलब ये चाकू से उससे तो कटता ही नहीं है, या तो हसिया से काटो। तो मैं कैंची से काट रही हूँ क्योंकि मुझसे उससे कट मतलब काट नहीं पाती मैं। तो एक आम मतलब कैंची से भी अच्छा कट जाता है। तो ये देखिए मैंने देख लिया है। तो आप भी इस तरह से अगर आपको काटना नहीं आता कि मतलब हसिया से या वैसे कैसे काटे, क्योंकि पालक तो एक बार चाकू से भी कट जाती है पर ये नहीं कट पाएगा, तो आप भी मेरी तरह मतलब इसको कैंची से काट सकते हैं। जो नहीं जानते और इनको मतलब काटने में परेशानी आती है, तो ये देखिए मैंने सारा साग काट लिया है। और ये देखिए कैंची से भी मतलब अच्छा कट गया जो मतलब वैसे लगता है। तो इस तरह आप भी काट सकते हो। तो मैंने काट लिया और मैंने इसको रात में काट के रख दिया था साफ करके, कि सुबह आपको पता है कितनी भागम भाग होती है। तो ये मैं इसको चने की नहीं मूंग की दाल डाल के बनाने वाली हूँ, तो वो भी मैंने साफ कर लिया। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पर और उसमें तेल डाल दिया था सरसों का, तो वो गर्म हो गया है। आपको दिख ही रहा है कि उसमें से धुआं मतलब दिखने लग गया है। तो बस अब मैं इसमें जीरा डालूंगी और हींग डालूंगी। तो मैंने देखिए जीरा डाल दिया और तेल आपको दिख ही रहा है, देख कितना गर्म हो चुका है। तो मैं इसमें प्याज, हरी मिर्च, लहसुन मतलब डालूंगी, जैसे नॉर्मल मतलब सब्जी अपन बनाते हैं या छौंकते हैं वैसे ही इसको भी मैं छौंकूंगी। आपकी मतलब तरफ कैसे बनता है मुझे नहीं पता, पर मतलब हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही बनता है। तो देखिए हींग इसमें ऐड कर दिया है। तो जब प्याज अच्छी तरह से भुन गई थी तो मैंने चने का साग बाल्टी रखी थी, क्योंकि इसको अगर मैं सुबह धो के रखती तो इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं रात में धो के सुखाने के लिए, जो आपको तैयार रख ही नहीं सकते। तो मैंने इसको मतलब काट के तो शाम को रख दिया था रात को, पर मैंने धोया इसको सुबह। तो मैंने अच्छी तरह से धो लिया इसको बाल्टी में खूब सारा पानी लेकर। तो ये देखिए मैंने इसको भी मिक्स कर लिया है और चने ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। आप दिख रहे हो तो इसका थोड़ा मतलब अब भी ऐसा दिख रहा है ग्रीन ग्रीन हरा, पर जब बन जाएगा तो ये अपना थोड़ा रंग चेंज कर लेगा। और इसको मैं बिल्कुल सूखी भाजी जैसा बनाते हैं ना, क्योंकि इसमें ज़रा भी पानी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है, वो मैं ऐड नहीं कर पाई थी क्योंकि वो टैपर मुझे मिला नहीं था, तो मैंने डाल दिया है। तो उसको मतलब चारों तरफ से चने के साग से ढक के रखना है और फिर उसको पकने देना है ढककर। तो ये देखिए अच्छी तरह से पक चुका है और दाल भी मतलब पक चुकी है। और अगर इसमें पानी डालेंगे दाल में तो दाल मतलब ऐसी हो जाती है, तो खाने में अच्छी नहीं लगती। तो ये बिल्कुल भुजिया जैसा साग होता है वैसा बन चुका है, और मुझे तो ऐसे ही पसंद है। तो इसको आप मिर्च के अचार के साथ या हरी मिर्च के साथ जिससे चाहे खा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आपका नया साल खुशियों से भरा हो इसी आशा के साथ। बाय।